الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد عن عائشه رضي الله عنها ان حمزه بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام قال ان شئت فصم وان شئت فافطر। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से हमज़ा इब्ने अम्र असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया, क्या वो सफ़र की हालत में सौम रख सकते हैं? और वो बहुत ज़्यादा सौम रखा करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि अगर चाहो तो सौम रख लो और अगर चाहो तो सौम ना रखो बल्कि इफ्तार किया करो। ये हदीस सही बुखारी में किताबुस्सियाम बाबुस्सौम फिस सफरी वल इफ्तार हदीस नंबर है 1942 और सही मुस्लिम में भी ये हदीस है और ऐसे ही सुनन अबी दाऊद सुनन इब्ने माजा में भी ये हदीस मौजूद है। इस हदीस में हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु हमजा असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं क्या वो सफ़र में सौम रखा करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इख्तियार दिया कि वो चाहें तो सौम रखें और चाहें न रखें। चूंकि सफ़र ये मशक्क़त का बाइस है और इसमें मशक्क़त का इम्कान है, इसलिए इसमें इफ्तारी की इजाज़त दी गई है। और अगर सख्त मशक्क़त हो तो ऐसी सूरत में सौम रखना नेकी नहीं है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम और हदीस की दूसरी किताबों में है, लैसा मिनल बिर्रिस सियाम फिस सफर, सफ़र की हालत में सौम रखना ये कोई नेकी नहीं है उन लोगों के लिए जिनके ऊपर मशक्क़त पड़ती हो, सख्त और मुश्किल पड़ती हो, दुश्वार होता हो। लेकिन जिसके पास सौम रखने की ताकत है और रमज़ान का महीना है और बाद में कज़ा करने में मशक्क़त है, बाद में कज़ा में मशक्क़त है, तो ऐसी सूरत में उनके लिए इख्तियार है, वो चाहें तो सौम रख लें और चाहें तो सौम ना रखें। और सौम रखते हैं तो वो अल्लाह की रुख्सत कबूल करते हैं और नहीं रखते हैं तो भी वो अल्लाह की रुख्सत कबूल करते हैं। और ये सहाबी ये बहुत ज़्यादा सफ़र किया करते थे, सफ़र की हालत में रहते थे। और इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सवारी लेके ढोता हूँ, सवारी पे सामान, जैसे आजकल बहुत सारे लोग जो मुस्तकिल ड्राइविंग में रहते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं या और दूसरे हैं जो मुस्तकिल सफ़र में रहते हैं, इसी तरह से ये कहते हैं कि मैं सफ़र में जो है सामान ढोता हूँ, सफ़र में रहता हूँ, किराए पे लेकर सामान मुंतकिल करता हूँ। तो कभी कभी रमज़ान का भी महीना इसमें आ जाता है और अल्लाह ने मुझे ये कुव्वत दे रखी है कि मैं सौम रख सकूँ और मेरे लिए रमज़ान के महीने में सफ़र की हालत में सौम रख लेना ताखीर करने से ज़्यादा आसान है। और इस तरह से अगर मैं रमज़ान में सफ़र की हालत में सौम छोड़ दूं तो ये मुझ पर कर्ज हो जाएगा और बाद में जो है मशक्क़त इसमें होगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हमजा जो चाहो कर लो, चाहो बाद में रख लो और चाहो उसी हालत में रख लो। अय्यज़ालिका शिता या हमजा, ये हदीस सुनन अबी दाऊद में और इसी तरह से मुस्तदरक हाकिम में ये मौजूद है। इसकी तफसील मुख्तसर तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है लेकिन इसकी तफसील मुस्तदरक हाकिम में और अबू दाऊद में मौजूद है। तो इस तफसील की वजह से ये मालूम होता है कि अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा मशक्क़त ना हो तो उसके लिए सफ़र की हालत में सौम रखना जायज़ है। वल्लाहु ताला आलम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।